स्टूडेंट आ रहे हैं, चलो कोई बात। सो इन द लास्ट क्लास वी डिड इट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बात हो रही है। ओके ये समझिए, डायरेक्ट्रिक्स कैसे फेल्ड हुआ है, लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स बाउंड्री, ये बाउंड्री है, यहां ये बाउंड्री है, इस तरफ दिखा रखा है एयर एंड एक तरफ दिखा रखा है डायरेक्ट्रिक, एयर डायरेक्ट्रिक बाउंड्री, ठीक। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ठीक ऐसे डायरेक्ट्रिक फिल कर देता हूं, क्योंकि कितने पोर्शन में, कितने पोर्शन में, ये जो इतना पोर्शन है ना, इसमें मैं डायरेक्टर फिल कर देता हूँ, I hope you are understanding the diagram. Okay. So when you will make the connection, तो connection कहाँ कहाँ लगाओगे आप? मतलब इसको, this is a capacitor, this is a spherical capacitor, this is a spherical capacitor. तो जब आप कनेक्शन बनाओगे, यानी कि आपने इसको यहाँ पर चार्ज क्यू दिखाया हुआ है, ओके, बाहर वाले पर माइनस क्यू चार्ज दिखाया हुआ है, ओके, तो या आप कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ कनेक्शन लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है, एक कनेक्शन का टच यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पर ओप टच कराएंगे, ओके, तो ये जो है एक कैपेसिटर ये बन रहा है सी वन, एक कैपेसिटर ये बन रहा है सी टू, ओके, या एक काम करो इसको C1 लिख लो, कोई अच्छा लगाना है इसमें C2 लिख लो, ओके, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, ठीक है, यहां पर भी दो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या है C1 है मान लेते हैं, ये कैपेसिटर क्या है ये वाला यहाँ पर C2 है, एक कैपेसिटर C1 है, एक C2 है, ओके, तो आपको बताना है कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, बताइए, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आपने वहां पर किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। सर क्वेश्चन का पेज नंबर कितना है? इसका कोई पेज नंबर नहीं है, दिस इज फॉर गेट एग्जाम, ओके, इसका कोई पेज नंबर, ठीक है, तो ये गेट 2000 ये उस बुकलेट में है ही नहीं क्योंकि वो पहले प्रिंट हो गए, ठीक है, तो आपने देखा होगा दो प्लेट थी कैपेसिटर की, एक यहाँ कनेक्शन बनाया हुआ था, एक यहाँ कनेक्शन बनाया हुआ था, एक कॉम्बिनेशन हमने ऐसा लिया हुआ था, एक कॉम्बिनेशन ऐसा लिया हुआ था जिसमें एक तरफ अलग तरह का डायलेक्ट्रिक था, आधे में यहाँ अलग तरह का डायलेक्ट्रिक था, एक कनेक्शन यहाँ बनाया हुआ था, वन कनेक्शन वहां किया, तो कैन यू टेल मी के कौन सा इसमें कौन सा वाला था, ये इट वॉज सीरीज and it was parallel combination, आप बता सकते हैं कौन सा parallel कौन सा series है, series में क्या होता है, what same, what remains same, या parallel में समझो what remains same, potential V remains same, V same, यहाँ पर क्या होता है V not same, charge is same, V not same, ठीक है, तो कैसे आप judge करते हैं, मैंने कहा था सीरीज में क्या होता है, एक कैपेसिटर इससे कनेक्ट क्या होगा, दूसरे कैपेसिटर का एक प्लेट कनेक्ट होगा, इसका एक प्लेट इससे कनेक्ट होगा सोर्स से, इसका एक
किससे कनेक्ट होगा? सोर्स। ओके, जबकि पैरेलल में क्या होता है? इसका इससे कनेक्शन होगा, इसका इससे कनेक्शन होगा, तब जाकर सोर्स से कनेक्शन होगा। आई होप यू रिमेम्बर इट। ओके, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। ओके, अब आप देख सकते हैं एक प्लेट इसका ये वाला है, इस वाले कैपेसिटर का एक प्लेट कहां पर है? यहां। दिस इज वन प्लेट, इट इज कनेक्टेड टू, वेट अ मिनट, इट इज कनेक्टेड टू other plate, other capacitors, inner plate, outer plate, आपस में connected है, देख सकते हो आप। इनके inner plate, देखो inner plate यहां, outer plate यहां, आपस में connected है, okay? तब जाकर source से connection होगा, मतलब connection कहां कहां होगा यहां? एक connection आप अंदर के point पर लगाएंगे यहां, एक कनेक्शन आप यहां कनेक्ट करेंगे, एक यहां बनाएंगे। ओके, अगर वोल्टेज से कनेक्ट करना है इसको तो आपको ऐसे करना होगा, ऐसे बैटरी से दिखाना है तो आपको कनेक्शन ऐसे बनाना होगा, प्लस अंदर वाले पर माइनस, ये वोल्टेज ऐसे लगेगा। ओके, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये कैसा कॉम्बिनेशन है? जब आप कनेक्शन बनाओगे तो क्या होगा? देखो, इसके एक प्लेट पर कनेक्शन होगा, इसके दूसरे प्लेट पर कनेक्शन होगा। अब आप देखिए, ये कैपेसिटर इनर उसका ये वाला पॉइंट और आउटर वाले का ये वाला पॉइंट क्या होंगे? कॉमन, जैसे यहां पर है ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, कॉमन होंगे एक तरीके से। ओके, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैन यू फाइंड देयर कैपेसिटेंस? यस, वो तो बाद में करेंगे, पहले दूसरा जो प्रॉब्लम है इसमें क्या दिया हुआ है? कंडक्टिंग शेल्स दी हुई है, चार्ज क्यू दिया हुआ है। ओके, एक तरफ परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन वन, दूसरी तरफ परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि बाउंड्री के ऊपर क्या सेव है। मतलब मैंने आपसे किस तरह का क्वेश्चन किया था पहले भी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, वेट अ मिनट। ये क्वेश्चन हमने किया था जिसमें पूछा था व्हाट इज कंटिन्यूअस व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, सेम क्वेश्चन मैं यहां आपसे करता हूं। जस्ट अ मिनट, आई विल ड्रॉप इट। ओके, ये है, देखो जरा इसमें हमने क्या किया था,
दिस वॉज द बाउंड्री, ये बाउंड्री था, और इस पे आपने शो किया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन, ये जो थे ठीक है वो कैसे बिहेव कर रहे थे, ये ठीक है वो बाउंड्री के पैरेलल थे परपेंडिकुलर, ठीक है, ई डी पी आर परपेंडिकुलर टू बाउंड्री, है ना, यही था ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये बाउंड्री है, इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे थे, यहां आ जाइए, कम बैक टू दिस, वेयर इज द बाउंड्री, ये देख रहे हैं ना आप, ये वाली लाइन, ये दिस इज द बाउंड्री हियर, यहां कहां बाउंड्री है, यहां, ओके, कैन यू शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नियर द बाउंड्री, नियर द बाउंड्री कैन यू शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाउंड्री के पास एकदम, तो आप जानते हैं प्लस चार्ज है ये वाला, ओके, और बाउंड्री ये कैसा है, स्फेरिकल है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड यू, ओके, रेडियली आउटवर्ड यू, ठीक है, ये आपको समझ में आया, तो इसको हम क्या कह रहे थे, वी वर कॉलिंग इट वन, हम इसको वन कह रहे थे, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ई वन, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ई टू, मतलब ये हो गई जो ब्लू आप लाइन देख रहे हैं दैट इज बाउंड्री, और बाउंड्री के दोनों तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की हुई है, ऐसी क्यों दिखाई है मैंने, वाई आई हैव शोन इट लाइक दिस, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, अगर मैं कहीं और दिखाऊंगा ठीक है समवेयर एल्स तो ऐसे होगी, ये क्या है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट मैं उनको कहां जज करना चाहता हूं, बाउंड्री के नियर, तो बाउंड्री के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड या बाउंड्री के परपेंडिकुलर, दैट यू नीड टू जज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द बाउंड्री और परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, ये आपको बता, थिंक एंड टेल मी, पैरेलल परपेंडिकुलर, इतने में मैं यहां पर एक बाउंड्री बना देता हूं, जैसे पिछली बार बनाई थी मैंने, दिस इज द बाउंड्री, चैट डिसेबल था, चैट इनेबल कर दिया हमने, ओके, तो ये बाउंड्री है अगर मान ली ये वाली, ओके, तो अगर हम इसको चार्ज प्लस क्यू दें, इसको चार्ज माइनस क्यू दें, तो इस पर इलेक्ट्रिक लाइन कैसी होगी, वुड बी लाइक दिस, ओके, like this, yes. Yes. तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया क्या है, E1 है, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स हैं, तो आपको दोनों में बताना है, यहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा था, सीरीज, यहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, तो बताइए कौन सा एप्लीकेबल होगा किसमें, ओके, तो इसमें क्या है, दोनों तरफ क्या रहेगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर, यहां रहेगा पैरेलल, यहां पर क्या होगा, ई डी एंड पी
आर पैरेलल टू बाउंड्री, यहाँ क्या होगा? ई डी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू बाउंड्री, ओके। ठीक है, तो अब बताइए अगर ये वाला क्वेश्चन यहां आया होता इसके लिए तो कौन सा पिक करते आप इसके लिए? वन और ये टू, और वन कौन सा ऑप्शन सही होता इसमें से? ऑप्शन कौन सा सही होता इसमें से? ई दोनों तरफ क्या होता, सेम या डिफरेंट? ई कॉन्टिन्यूस होता, ओके, डी डिसकॉन्टिन्यूस होता। तो ऑप्शन डी सही होता इसके लिए, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होता? इसके लिए कौन सा सही होता? ए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। तो ये हो गया, ठीक है। अब जरा सोचना है आपको, गो बैक, अब करेंगे आप क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन को कर सकते, ओके। अब आपको पता लग गया कि अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करता हूं E2 और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करता हूं E1, तो दे विल बी सेम और डिफरेंट? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, आप कह रहे हैं ना, या कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? यहां का फील्ड और यहां का फील्ड क्या होगा? सेम। यहां का डी एंड यहां का डी, यहां का डी टू और यहां का डी वन सेम नहीं होगा, आप यही कह रहे हैं? ओके, तो अब इसको ना सॉल्व कर लेते। पहले ये केस बनाना मुझे जरूरी था, ओके। तो बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से मैंने डिसाइड कर लिया कि कहां कौन सा फील्ड होगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता, आपको बताया गया है क्या, जब भी आपको क्या करना हो, फ्री चार्ज गिवन हो, डायलेक्ट्रिक गिवन हो, तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ओके, तो ए और बी के बीच में एक गॉसियन सरफेस बना दो, ए एंड बी के बीच में एक गॉसियन सरफेस बना दो आर रेडियस का। दिस इज गॉसियन सरफेस। अब ये बताओ कि गॉसियन सरफेस मैं D के लिए बनाऊं या E के लिए? आई हैव गिवन दिस फ्री चार्ज Q, आई हैव गिवन दिस फ्री चार्ज माइनस Q, ओके, और बीच में क्या भरा हुआ है? डायलेक्ट्रिक। ये एक तरफ एयर है, एक तरफ डायलेक्ट्रिक है, ये डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक भी हो सकता था, मतलब यहां भी डायलेक्ट्रिक और यहां भी डायलेक्ट्रिक, एयर भी एक तरह का डायलेक्ट्रिक ही है, एयर को भी आप डायलेक्ट्रिक कंसिडर कर सकते हैं। कितने डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का? वन। Air is a dielectric of dielectric constant 1. So what should I calculate? I should calculate D. जब भी free charge की बात होती है और bound charge की बात होती है तो हमें D का calculation करना चाहिए। किसके बराबर होता है? Gauss law. Q free. D dot ds किसके बराबर होता है? Q free. Clear? इस तरफ का displacement vector क्या है? इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D2 है, इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D1 है, क्लियर? वो दोनों सेम है या नहीं? D1 नॉट इक्वल्स टू D2, ये बराबर नहीं है, ओके, okay? D1 D2 बराबर नहीं है, ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस। अब मैं क्या करूंगा? D1 डॉट डी एस वन प्लस डी टू डी एस टू, और कितना क्यू फ्री है भाई इस वाले गॉसियन सरफेस में? कितना फ्री चार्ज एनक्लोज हो रहा है? व्हाट इज द फ्री एनक्लोज चार्ज? फ्री एनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस इज क्यू, तो यहां रख दूंगा मैं क्यू,
ओके, ये समझ आया या नहीं? डी वन डी टू में तोड़ दिया मैंने, वाई, क्योंकि दो अलग अलग डी हैं, अगर एक ही डी होता तो मैं उसको डी रहने देता। ओके, कितना एरिया है, मतलब आपको देखना है ये वाला एरिया कितना है, सॉरी गॉसियन सरफेस के ऊपर कितना एरिया है, जो आधा यहां से लेकर और यहां तक का कितना एरिया होगा, डी वन टू पाई आर स्क्वायर। ओके, अच्छा अब चूंकि सॉरी क्या सेम है दोनों तरफ, ठीक है, व्हाट इज सेम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डी वन इंटू टू पाई आर स्क्वायर प्लस डी टू टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है, क्यू, भाई इसका एरिया कितना है, फोर पाई स्क्वायर टोटल एरिया होता है, तो आधे का एरिया कितना हुआ, इतना। ओके, अच्छा डी वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की टर्म्स में, क्योंकि मुझे पता है एक बात तो पता है ना मुझे, क्या ई वन इक्वल टू ई टू है, दोनों तरफ का फील्ड सेम है, वाई, मुझे कैसे पता दोनों तरफ का फील्ड सेम है, दोनों तरफ का फील्ड सेम है मुझे किस हिसाब से पता है, बाउंड्री के हिसाब, क्योंकि पैरेलल टू द बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई क्या रहेगा, दोनों तरफ सेम, ई कॉन्टिन्यूस डी डिसकॉन्टिन्यूस, तो ई दोनों तरफ सेम, डी सेम नहीं है, तो डी को ई में कैसे बदल सकता हूं मैं, एप्सिलॉन वन ई वन टू पाई आर स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन टू ई टू टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्लियर, अच्छा आप ई वन एंड ई टू बराबर है, तो इसको ई लिख लो, आप ई वन ई टू को ई लिख लो, ओके, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, ठीक है, E1, E2, both are same, so उसमें से एक लिख लीजिए, कोई E लिख लीजिए उसको, तो या E1 ही लिख लीजिए, तो क्या हो गया, E1, 2 pi r square common, क्या बचा, epsilon 1 plus epsilon 2 equals to Q, तो electric field E1 या electric field E2, दोनों ही क्या है, same है, क्या बना, Q divided by 2 pi epsilon 1 plus epsilon 2 r square, और direction क्या रहती है, radially outward, और equation 1 हो गया, okay, तो field is same on both sides, कितना से कितना, okay, ठीक है, अच्छा अगर दोनों तरफ free space बना दिया जाए तो field कितना हो जाएगा, दोनों तरफ का मीडियम ये बना दिया था, अच्छा हाँ ये क्या दे रखा था इन्होंने, व्हाट वाज इट, डी टू के साथ क्या था, एप्सिलॉन टू का वैल्यू, ये कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ना यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, टू की जगह क्या लगा देंगे आप, एप्सिलॉन नॉट, टू की जगह आप क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके, तो दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, क्या आएगा आंसर, ये वाला एवरीवेयर होगा या एयर साइड में अलग होगा, डायलेक्ट्रिक साइड में अलग होगा, या एयर साइड में इतना, डायलेक्ट्रिक साइड में इतना, ओके, या क्यू डिवाइड बाय दिस एवरीवेयर, बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप पहली बात समझिए, एयर साइड में और इलेक्ट्रिक साइड में फील्ड अलग नहीं होगा, दोनों तरफ फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्यों, ये मैंने कैसे पता किया कि दोनों तरफ का फील्ड सेम है, बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, व्हाट रिमेन्स, फोर पाई आएगा या टू पाई, आंसर होगा टू पाई वाला, ये सही होगा, ओके, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछने लगे भाई डी भी बताओ, दोनों तरफ का डी बताओ, दोनों तरफ का डी सेम नहीं होगा, तो डी क्या होगा, डी वन होगा एप्सिलॉन वन ई वन, तो डी वन कितना होगा उस मीडियम में, एप्सिलॉन वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, डी टू कितना होगा,
epsilon naught E2, epsilon naught E2. Okay, D2 is epsilon naught E2. Okay, E2 is same as E1. So, kitna ho jayega? Epsilon naught Q divided by 2 pi epsilon 1 plus epsilon naught R square. ये आपका डायलेक्ट्रिक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता अगर निकलवाता तो. दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम. ओके, ये है. आपसे कोई पूछने लगे भाई आर लेस देन ए पर फील्ड कितना होगा, इसी सेम क्वेश्चन में, फॉर आर लेस देन ए, ए से कम पर कितना फील्ड होगा, ई वन E2 दोनों जीरो होंगे. गो बैक एंड सी. यहां अगर आप फील्ड निकालने लगो यहां पर तो फील्ड क्या होगा, जीरो होगा या नहीं. D1 D2 क्या होंगे, जीरो, क्योंकि यहां कोई चार्ज क्लोज नहीं है, ना तो फ्री ना बाउंड. यहां गो बैक एंड सी. 4 R ग्रेटर देन B, यहां चले जाओ, यहां आर ग्रेटर देन बी, यहां कितना चार्ज एनक्लोज होगा, फ्री, प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना डी आएगा, डी वन डी टू जीरो. जब डी वन डी टू जीरो तो क्या होगा, ई वन ई टू भी जीरो, क्योंकि यहां पर क्या है, एयर है, कोई पोलराइजेशन नहीं है. ओके, ये हो गया. ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, यू विल आल्सो फाइंड देयर कैपेसिटेंस. ओके, कैपेसिटेंस फॉर केस वन का मतलब ये है, इसको मैं वहां पर भी ले जाता हूं. इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है. तो ये जो कैपेसिटर है इधर वाला, ये C2 और इधर वाला क्या है, C1. ठीक है, ये करना है C2 C1. C1 कितना है और C2 कितना है, ये आपको करना है. ओके, ये कैपेसिटेंस आपको निकालना होगा. ठीक है, ओके. तो आप देख सकते हैं क्या यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है. काम करता हूं मैं, इसका कैपेसिटेंस निकाल देता हूं सीधे. कैसे, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है क्या बाय क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन, टिपिकल चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, वी निकलता है माइनस ई, ओके, डॉट डीएल. ओके, वी निकलता है ई डॉट डीएल से, और किसका आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं. ओके, आप निकाल रहे हैं वी ए माइनस वी बी माइनस, क्या होगा लोअर लिमिट क्या होगी, ए, अपर लिमिट क्या होगी, बी. ओके, क्यू डिवाइडेड बाय 2 pi एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आर स्क्वायर आर कैप. ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डॉट क्या आता है, डीएल का डीआर आर कैप, ये आता है डॉट प्रोडक्ट में, आर बचता है बस. ओके, डी आर बचता है, इसको इंटीग्रेट करना जरा,
कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, क्यू डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू, माइनस साइन यहाँ पर है ये वाला, ओके वन बाय आर स्क्वायर का कितना आता है, माइनस वन बाय आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, ये मैंने गलत कर दिया ना, देखो मैं किसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूँ, ए पॉइंट का, किसके रेस्पेक्ट में, बी के, तो बी लोअर लिमिट में आएगा ना, ए अपर लिमिट में आएगा, बी ए कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों शेल्फ के बीच में, वो आएगा क्यू डिवाइडेड बाय टू पाई, सॉरी लिखता हूँ, Q divided by 2 pi epsilon 1 plus epsilon 2 1 by A minus 1 by B. ये है भाई potential difference किस किसके बीच का, दोनों shells के बीच का, तो capacitance कितना आएगा, capacitance कितना आएगा, देखिए Q से Q cancel हो गया, कितना आया capacitance, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, b माइनस ए इन द न्यूमरेटर, तो कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, टू पाई एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू इंटू ए बी, अच्छा एप्सिलॉन टू का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये आंसर है फाइनल कैपेसिटेंस के लिए। अच्छा एक बात और, मैंने इसको सी वन सी टू पे तोड़कर क्यों नहीं किया, जैसे मैं पहले कर रहा था, सी वन सी टू क्यों नहीं किया, क्योंकि सी वन की सिमेट्री नहीं है, C1 या C2 ना तो स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, अगर C1 को अलग कर दो C2 को अलग कर दो, यहां से तोड़ दो, ब्रेक इट फ्रॉम हियर, ब्रेक इट फ्रॉम हियर, तो आप बताइए वो कैसा कैपेसिटर बचेगा, स्फेरिकल बचेगा, सिलिंड्रिकल बचेगा या पैरेलल बचेगा, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, तोड़ दोगे तो वो हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर बचेंगे, तो हेमिस्फेरिकल कैपेसिटर नहीं होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, इसलिए C1 C2 से नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए मैंने किससे हेल्प, किसकी हेल्प से किया उसको, वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया फील्ड की हेल्प से और ऐसे कर दिया, क्योंकि आप होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज तो पता था हमें, चार्ज कौन सा वाला चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है जो पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर हो, ओके पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता था, वो किसकी हेल्प से निकाल लिया, फील्ड की हेल्प से, तो ये लाइन इंटीग्रल था, ओके तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया, अगर आप ऐसे केस का कैपेसिटेंस निकालते हैं यहां का कि यहां तक जो है डायरेक्ट्रिक्स भरा हुआ है, ओके यहां तक कोई डायरेक्ट्रिक्स भरा हुआ है, कितना डायरेक्ट्रिक्स मान लिया एप्सिलॉन नॉट, और यहां का कितना है एप्सिलॉन वन, इसके राइट, ओके तब हम कैसे करके निकालते हैं, ओके तब हम कैसे करके निकालेंगे, इतना पोर्शन मतलब ए रेडियस का पोर्शन, और मान लेते हैं ये कौन सी रेडियस है, दिस इज सी रेडियस, मतलब ये डायलेक्ट्रिक कहां तक भरा हुआ है, दिस डायलेक्ट्रिक इज फिल्ड अप टू सी, सी तक भरा हुआ है, ओके ये सी तक भरा हुआ है, ओके तो ए एंड सी स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा या नहीं, A ये वाला और C ये वाला, this will make a spherical capacitor or not? Answer is yes. अच्छा फिर एक कहां बनेगा, एक बनेगा C एंड B के बीच में, ओके मतलब यहां आउटर मोस्ट वाली जो है ये B रेडियस उसके और C के बीच में, तो दो स्फेरिकल कैपेसिटर होंगे, कौन कौन से, C1 एंड C2, कितना होगा C1 बाहर वाला, ये C1 है और इसको हम C2 कह रहे हैं,
ओके कितना होगा सी वन सी टू अगर आप इस केस का निकालेंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा, लेट मी टेक दिस ऑल्सो, इसका कैपेसिटेंस वो निकाल देता हूं, क्या बनाना है, एक डायरेक्टिव फिल कर रहे हैं आप टू ये, जिसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट कितना है, सी रेडियस है इसका, इसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना है यहाँ वाले का एप्सिलॉन वन, तो अब किसको सी वन कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट, ओके तो सी वन कितना होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर है किस किस के बीच का, सी वन कहां बन रहा है, सी वन कहां बन रहा है, सी वन बन रहा है, इनर रेडियस कितना है सी, आउटर रेडियस कितना है डी, यहां ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, दिस कॉम्बिनेशन, इतना कॉम्बिनेशन जो है ये वाला वो क्या है सी वन, और इतना कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है सी टू, ओके तो यहां पर क्या है सी वन, सी वन कितना है, ये फार्मूला याद है, फार्मूला याद है आपको, ये वाला जो होता था डायरेक्ट कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर था, आपको शायद याद होगा 4 pi epsilon 1 परमिटिविटी, ओके क्या बनता था बताना, 4 pi epsilon 1 इनर रेडियस आउटर रेडियस, इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस इज सी, इनर रेडियस इज सी, आउटर रेडियस इज बी डिवाइडेड बाय हु इज लार्ज, लार्ज कौन है, लार्ज है बी या सी, बी इज लार्ज तो बी माइनस सी, देखना जरा ठीक है क्या सी वन, भाई जनरलाइज फार्मूला होता था ना स्फेरिकल कैपेसिटर का, मैंने लिखवाया होगा 4 pi epsilon 0 आर वन आर टू करके कुछ ऐसे था, आर वन आर टू, अगर आर टू बड़ा है तो क्या लिखते थे हम, आर टू माइनस आर वन, ऐसे करके एक फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस निकालने का, उसी का इस्तेमाल किया मैंने, तो सी वन किस किसके बीच का बन रहा है, ठीक है सी वन किस किसके बीच का बन रहा है, सी वन बन रहा है मतलब इनर रेडियस क्या है उसकी, इनर रेडियस इज, इनर रेडियस इज सी एंड आउटर रेडियस इज बी, क्योंकि बी बड़ा है सी, इसलिए क्या आएगा आंसर बी माइनस सी, आगे चलते हैं सी टू, सी टू किस किसके बीच का बनेगा, 4 pi epsilon 0 परमिटिविटी कितनी है उस मीडियम की, कौन से मीडियम की, ये यहां आउटर और यहां इनर, इनके बीच में कौन सा मीडियम है, यहां हियर, ये जो मीडियम है इट इज एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, तो क्या आएगा, इनर रेडियस कौन है ए, आउटर रेडियस कौन है सी, क्या आएगा सी, सी माइनस ए, ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल, इट इज सीरीज, सीरीज, सीरीज का क्या रहता है, टोटल कैपेसिटेंस है 1 by C1, 1 by C2, करो जरा कितना आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1 by C1 बी माइनस सी ऊपर, नीचे क्या 4 pi epsilon 1 बी सी प्लस सी माइनस ए 4 pi epsilon 0 ए सी, तो सी ये निकाल लेना आप ना करके कितना है,
एक मिनट, ओहो ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये उल्टा बता दिया आपको मैंने। ओ, वेट अ मिनट वेट अ मिनट, लेट मी क्लैरिफाई दिस, ओके लेट मी क्लैरिफाई दिस। ओके वेट अ मिनट, गो बैक एंड सी इट अगेन। ओके देख, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के जो ये होते हैं जो प्लेट्स होती हैं, ये वाली प्लेट एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ क्या रहती है, कॉमन कनेक्टेड, दूसरी प्लेट एक इससे लगती है एक इससे लगती है। पैरेलल में क्या होता है, दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट रहती हैं, ओके, और तब जाकर कनेक्शन किससे बनता है, ये बनता है, ठीक है। तो अच्छा आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये जो है ये एक प्लेट है कैपेसिटर की इनर वाली, ये आउटर वाली प्लेट है, ओके, तो ये आपस में कनेक्टेड है, मैं ऐसे होगा, ये इनर वाली प्लेट है, ये कॉमन है ऐसे, तो सी वन जो कैपेसिटर है वो ये है, सी टू जो कैपेसिटर है वो ये है, तो आप देख रहे हैं ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ऐसे मानो इनको, तो ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ओके अच्छा, ये यहां से लेकर यहां तक, ओके यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा कैपेसिटर है, ये सी वन है ये सी टू है, ये आपस में कनेक्ट है, मेटल लगा हुआ है पूरा, ओके तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी कि जब आप बैटरी कनेक्शन करोगे तो क्या होगा, इस पर यहां पूरे पर पोटेंशियल और इस पर यहां पूरे पर पोटेंशियल सेम होगा, मतलब यहां पोटेंशियल सारे में और यहां पोटेंशियल सारे में सेम होगा, ओके पोटेंशियल सेम होना क्या बताता है, पोटेंशियल सेम होना मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज, इट वुड बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके पोटेंशियल सेम है सब जगह, यहां यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ओके सीरीज पर आइए, सीरीज में क्या होता है, गो बैक एंड सी, एक प्लेट ये हुई एक प्लेट ये हुई, ओके यहां कोई कनेक्शन बनेगा यहां और एक कनेक्शन यहां बनेगा, ओके तो इसका ये वाला, जब मैं इसको बैटरी भी लगाकर दिखा देता हूं, मान लिया आपने इस पर बैटरी ऐसे लगाई, एक्चुअली नाम मुझसे अलग अलग हो गए, वैसे सारी चीज ठीक थी, नाम में कंफ्यूजन हो गया, पैरेलल सीरीज, मान लिया आपने ऐसे बैटरी लगाई कोई, तो उसका एक सिरा कहाँ का है, वन पॉइंट इज कनेक्टेड हियर, ओके एंड वन पॉइंट कनेक्टेड हियर, ओके अब इसमें दो कैपेसिटर है, C1 कहां तक है, देखो C1 का एक प्लेट ये है और C1 का दूसरा प्लेट ये है, ओके C2 का इनर प्लेट यही है, यानी कि किस किस का इनर प्लेट कॉमन, C1 का आउटर प्लेट, C1 का आउटर प्लेट, ओके एंड C2 का इनर प्लेट वो कॉमन है, देखो C1 का आउटर प्लेट ये, C2 का इनर प्लेट कॉमन है, देखो कॉमन है मतलब सेम पोटेंशियल पर है, ओके आगे
ये C2 का आउटर किससे कनेक्टेड है? C2 का आउटर किससे कनेक्टेड है? बैटरी से. और C1 का इनर किससे कनेक्टेड है? बैटरी से. तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा? वो लिखने में गड़बड़ होगी. ओके, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे अब जाकर, इसको कर ले, इसको निकाल ले. ओके, तो ध्यान रखिएगा प्लीज. ओके, है ना. आई होप अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, प्लीज टेल मी, बिकॉज नोमेनक्लेचर में उनके दिक्कत हो गई थी, बाकी सब ठीक था. ठीक है, मतलब पैरेलल को सीरीज लिख दिया मैंने और सीरीज को पैरेलल लिख दिया. ओके, तो जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो, ओके, ठीक है, जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो तो समझ जाइए कैसा कॉम्बिनेशन हो. कैपेसिटर की प्लेट आपस में कनेक्टेड हो तो कैसा कॉम्बिनेशन है? मतलब इसका ये आपस में कनेक्टेड है और ये भी आपस में कनेक्टेड है, तो कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल. ओके, तो देखो यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, फिर जाकर सोर्स से कनेक्टेड है, तो कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल. सीरीज में क्या होता है? एक सोर्स से कनेक्ट होता है, दोनों का एक एक सोर्स से कनेक्ट होता है, एक आपस में एक प्लेट कॉमन है. ये रेड वाली लाइन, रेड वाली लाइन जो है कॉमन है, इसकी तरह भी ये करेगी यहाँ पर, ये कॉमन है. ओके, तो ये है, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, नहीं नहीं कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालने का तरीका जो था ना वो हमारा अलग था. कैपेसिटेंस कैसे निकाला था हमने? गो बैक एंड सी. कैपेसिटेंस कैसे निकाला था हमने? कैपेसिटेंस टोटल निकाला था एक ही बार में, अलग अलग करके नहीं निकाला था. अलग अलग करके क्यों नहीं निकाल पाए थे हम इसको? क्योंकि मैंने बताया था C1 और C2 क्या फॉर्म नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा स्फीयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो मतलब ना तो स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा. अलग अलग बताऊंगा, अलग तो C1 C2 अलग अलग ना तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ना सिलेंड्रिकल है, ना पैरेलल है, इसलिए मैंने C1 C2 नहीं निकाला था, मैंने सीधा C निकाला था, टोटल C. ओके, तो बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बस नोमेनक्लेचर में कंफ्यूजन होगी. ओके, तो वो पैरेलल, ये सीरीज, ठीक है, बाकी सब एवरीथिंग इज फाइन. ओके, 43 तो हम कर ही चुके हैं. ओके, 43 में क्या था? ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके बीच में एक डायरेक्ट्रिक ऐसी लाइंस वाला K1 है और दूसरा K2 है, तो हमें देखना था बाउंड्री पर कैसे हिट कर रहे हैं उसको, E, D and P, मतलब ये बाउंड्री जो है उस पर कैसे जाएंगे भाई. प्लस यहाँ प्लस प्लेट, ये प्लस पोटेंशियल पर है और ये माइनस पर है नीचे वाला, तो E, D, P डाउन हो गए, तो कैसे निकल कर जाएंगे बाउंड्री में से? नॉर्मली, परपेंडिकुलरली या पैरेलली? तो जाएंगे क्या? परपेंडिकुलरली. ओके, इसलिए तो मैं पूछ रहा था क्वेश्चन आया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा. और ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्फेरिकल के लिए तो कौन सा सही होगा? ए सही होगा. ओके, ये था, और बाकी बाद में पूछ लेना, इंडिविजुअली पूछना. वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके, लेट मी चेक. ओके, मैं चेक कर रहा हूं.
होप अब ठीक आनी चाहिए। हाँ ओके ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। लास्ट स्लाइड ये वाली है। ओके अब देखो मैं देखो। वीट वीट ओके तो हमने कहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे? आई थिंक वी डिड इट 48 कर लिया था शायद हमने, 49 भी कर लिया था, 50 नहीं किया था शायद। आई होप वी हैवन डन दिस। ये नहीं हुआ था ना? ये करो आप, ये कर लिया था। आई डोंट नो, 50 क्वेश्चन है ये पेज है। ओके तो 50 का पेज क्या है? पेज 32 पर 50 क्वेश्चन। ओके तो इसमें दो डायरेक्टिव दिए हुए हैं, लेफ्ट राइट। ओके तो इसको आप मान लो ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेफ्ट को वन, परमिटिविटी दी हुई है, परमिटिविटी की, तो लेफ्ट को वन और राइट को टू लिख रहा हूं ऐसे, लेफ्ट को वन और राइट को टू ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि लेफ्ट राइट लिखने में ई वन, लेफ्ट को वन लिख रहा हूं क्योंकि मैं, ई वन कितना है, सी आई कैप जे कैप प्लस के कैप, तो वी नीड टू फाइंड आउट ई राइट। ई राइट मतलब E2 निकालना है, E2 निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे बताइए? कह रहे हैं YZ प्लेन फॉर्म से चार्जलेस बाउंड्री। चार्जलेस बाउंड्री का मतलब होता है सिग्मा फ्री का वैल्यू जीरो होना। चार्जलेस बाउंड्री का मतलब है सिग्मा फ्री का जीरो होना। ओके तो एक चार्जलेस बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, सिग्मा जीरो है, तो क्या बाउंड्री कंडीशंस फॉलो होंगी? D1 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू D2 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका सेम आएगा? D का। उसको आप E में बदलिए, E में बदलने पर क्या होगा? एप्साइलन 1 E1 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एप्साइलन 2 E2 परपेंडिकुलर। D का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटीन्यूअस रहता है जब फ्री चार्ज जीरो हो तो। ओके करिए जरा इसको, कौन परपेंडिकुलर है? Who is perpendicular? X perpendicular है, Y perpendicular है, Z perpendicular? That you need to find out. करो, x is perpendicular, yes. तो x का कंपोनेंट क्या है? देखो e1 का c है, okay.
बन गया E2 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 E1 परपेंडिकुलर। एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 कितना है? 1 बाय 2, तो ये कितना हो गया? C बाय 2। एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इज 1 बाय 2, तो ये हो गया C बाय 2। बाकी क्या है? E1 पैरेलल E2 पैरेलल बराबर है, ठीक है। पैरेलल में कौन कौन आता है? पैरेलल में आएगा E1 Y इक्वल्स टू E2 Y एंड पैरेलल का मतलब बता रहा हूं मैं, एंड E1 Z E2 Z E1 Y E2 Y कितना हो जाएगा? E2 Y विल बी कौन है? सी है ना? हाँ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। E2Z कितना हो गया? सी टी, सबको मिला दो तो टोटल कितना हो गया? E2 सी, ओके, 1/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आंसर है। आई थिंक ये सही है, सी, ऑप्शन सी सर। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हो गया, क्या है आंसर? हेलो, इलेक्ट्रिक व्हील एग्जिस्टिंग इंटरफेस बिटवीन कंडक्टर एंड फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक व्हील क्या होता है? एक्सटर्नल टू द कंडक्टर, इंटरनल टू द कंडक्टर? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है, एंड नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इंटरनल टू द कंडक्टर कितना होता है? ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू जीरो होगा।
है, तो ए ऑप्शन है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 52, हमने कर लिया था 53 पर। ये दिया हुआ है, पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर विद 1 सेंटीमीटर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट हैज टू लेयर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर कांस्टेंट K1 K2। ओके, बता सकते हैं कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? यहां तक का डायरेक्टर कांस्टेंट K1 है, 2 है, और यहां तक का क्या है K2 का वैल्यू 4 है। व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन? इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा पूछ क्या रहा है आपसे कि अगर हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, मैग्नीट्यूड ऑफ बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द जंक्शन ऑफ टू डायरेक्ट्रिक्स, जंक्शन ऑफ टू डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? ये जंक्शन है। ठीक है, तो ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है। ओके, ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जंक्शन ऑफ टू डायरेक्ट्रिक्स ही इसी है, इसी है। तो इस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी फाइंड आउट कर। क्लियर? ठीक है, अच्छा क्या यहां पर एक ही बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी या दो होगी? पहले आप डिसाइड करिए, इधर आपने क्या किया है, 10 वोल्ट लगाया, इधर आपने ग्राउंड कर रखा है, तो सबसे पहले आपका काम है इसमें ई डी एंड पी का डायरेक्शन फाइंड आउट कर। सबसे पहला काम है ई डी पी का ये फाइंड आउट करना। बोलिए किधर लगाओ एरो, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, किधर लगाओ? मान लेते हैं ये जेड डायरेक्शन है, जेड है ये। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होंगे, मतलब दे वुड पॉइंट लाइक दिस, इधर इधर इधर। ये किसका डायरेक्शन शो किया है मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोलराइजेशन। ओके, किस डायरेक्शन में सारे के सारे? माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो अब हमें करना है क्या, मतलब बाउंड चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द बाउंड चार्ज डेंसिटी? पी क्या होता है, सॉरी पी नहीं, सिग्मा बी। बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? पोलराइजेशन डॉट एन कैप होती है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, हमें कहां तक जाना है, हमें कहां पहुंचना है? वेयर वी नीड टू रीच, वेयर वी नीड टू रीच, वी नीड टू फाइंड आउट पोलराइजेशन। हाँ, हमारा मेन टास्क है पोलराइजेशन फाइंड आउट करना, हमारा मेन टास्क है। ओके, जबकि शुरुआत में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में दिया हुआ है कितना वोल्टेज दिया हुआ, कुछ नहीं पता बाकी, वोल्टेज दिया हुआ स्टार्टिंग। ओके, अच्छा आप यहां का पोलराइजेशन, इस तरफ का पोलराइजेशन पी वन, ऊपर वाले मीडियम का पोलराइजेशन P1 और नीचे वाले मीडियम का पोलराइजेशन P2 सेम नहीं होंगे,
यहाँ लिख देता हूँ उसको, इस मीडियम का पोलराइजेशन कितना होगा, P1 इज द पोलराइजेशन ऑफ दिस मीडियम एंड P2 इज द पोलराइजेशन ऑफ दिस मीडियम। ओके, P1 P2 इनके पोलराइजेशन हैं जो सेम नहीं है, जो बराबर नहीं है। ओके, तो दो अलग अलग बाउंड चार्ज डेंसिटी आएंगी, कौन कौन सी, एक आएगा सिग्मा B1 और एक आएगा सिग्मा B2। ओके, तो आपका टास्क है ये दोनों पोलराइजेशन निकालना। ओके, ये दोनों पोलराइजेशन निकालना आपका टास्क है। आप बताइए इस पर अगर मैं दो फील्ड लिखता हूं, इफ आई राइट टू फील्ड, E1 इन द अपर रीजन, E2 इन द लोअर रीजन, वुड दे बी सेम? E1 नॉट इक्वल टू E2 होगा, आप समझ रहे हैं why आई एम सेइंग दिस? गो बैक एंड सी, E कॉन्टिन्यूस होगा डिस्कॉन्टिन्यूस बाउंड्री के ऊपर? E इज डिस्कॉन्टिन्यूस फॉर दिस, इसके लिए ये ऑप्शन सही होगा, है ना? E डिस्कॉन्टिन्यूस, D कॉन्टिन्यूस, मतलब बाउंड्री के दोनों तरफ E सेम नहीं होगा, D सेम होगा, E सेम नहीं होगा, E सेम नहीं होगा, पोलराइजेशन सेम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, ये बनेगा कंफ्यूजन। ओके, तो पोलराइजेशन तक पहुंचना है, पोलराइजेशन निकालने का तरीका क्या है, फॉर लीनियर डायलेक्ट्रिक क्या फॉर्मूला होता है आप मुझे जानते हैं? फॉर लीनियर डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है एप्सिलॉन नॉट काई ई। ओके, और काई ई को क्या लिख सकते हो आप, K-1 इंटू ई, ये तरीका है, ये फार्मूला है कैलकुलेट करने का, इसको अप्लाई करना है, यानी कि पोलराइजेशन निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए ही। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं मैं, यहां मेथड जरा समझते जाना, ठीक। मुझे स्टार्टिंग में वोल्टेज दिया हुआ है, मुझे स्टार्टिंग में दिया हुआ है वोल्टेज। ओके, तो हाउ आई कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे फाइंड आउट करूं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होता है चार्ज। ओके, या डी फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होता है चार्ज। तो एक काम करिए, आप इस क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्री चार्ज व्हाट वी विल डू, फ्री चार्ज के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, Q=CV लगाते हैं। आप जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्री चार्ज क्यू, व्हाट वी नीड टू डू, वील अप्लाई Q=CV। तो इसका आप पहले सी निकालिए, आप जान रहे हैं कि ये एक कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो C1 क्या होगा, C1 क्या होता है, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, प्लेट का एरिया बाय D1, ये बनेगा। तो कितना K1 है उसका, 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द प्लेट एरिया, प्लेट एरिया दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, आप ए मान लो इसको ए है, डी कितना दिया हुआ है, ये टोटल 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब आधा आधा रहा होगा, D1 कितना हो गया, टोटल 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये हाफ हाफ बोला है ना इन्होंने, बोला कुछ नहीं बट लग रहा है सर। ओके, एक काम करो, इसको रख दो आप 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 0.5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 10^-2 meter, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 0.5 कितना हो गया बताना जरा,
हंड्रेड ऊपर चला गया, थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव 200, तो 400 बन रहा है, देखना है इसकी जगह। ठीक है, क्या ये देखना C2 कितना बनेगा, K2 epsilon not A by D2, K2 कितना है 4 है शायद, प्लेट सेपरेशन इज सेम आई थिंक, तो ये कितना बन जाएगा, वो 400 या 800 बनेगा, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा बताना, इस कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस निकालना हो तो C1 C2, तो टोटल कैपेसिटेंस वुड बी C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो ऊपर बन रहा है 400, नीचे बन रहा है 1200, ओके, तो 403 कितना बन रहा है जरा बताना, 800 epsilon not A, नीचे था 1200 ऊपर 400, तो आई थिंक बचेगा 3, देखना है सही है क्या, इसका टोटल कैपेसिटी कितना बन रहा है इस कैपेसिटर का, प्लीज टेल मी इफ दिस इज करेक्ट। अगर मान लिया इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि टोटल कैपेसिटेंस बताओ इस कैपेसिटर का, ऑल्दो प्लेट एरिया उन्होंने नहीं दिया, प्लेट एरिया दे देते तो हम इसका फैराड में ही निकाल देते कैपेसिटेंस, तो कितना चार्ज जमा होगा ऑन द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज फ्री चार्ज, फ्री चार्ज कितना अक्यूमुलेट होगा, क्यू कितना दिया हुआ वोल्टेज 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 8000 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3, इतना कूलम चार्ज जमा होगा पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर, फ्री फ्री वाला है, ओके, तो फ्री चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफ कितनी होगी, सिग्मा फ्री, फ्री वाली है, बाउंड वाली नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, चार्ज बाय एरिया, देखो प्लेट का एरिया यूज हो गया है, यहाँ पर कितना है, ये है फ्री चार्ज डेंसिटी 8000 एप्सिलॉन नॉट बाय 3, इक्वेशन नंबर 5, ये कहां पर है, इतनी चार्ज डेंसिटी कहां पर है, अपर प्लेट पर या लोअर पर, इस पर होगी कितनी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा फ्री, उस पर कितनी होगी नीचे वाले पर माइनस सिग्मा फ्री, उतनी उतनी नेगेटिव, तो मुझे कौन सी वाली चाहिए थी, मतलब कैपेसिटेंस में कौन सा वाला चार्ज एंटर करता है, पॉजिटिव वाला होगी, दोनों का सामने ही पॉजिटिव होगी, तो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी आती, तो सिग्मा एफ हमने निकाल लिया, क्लियर, तो ये हमारा कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ओके, ये दूसरी प्लेट है, this is other plate, what I need to find out now, ठीक है, इस पर चार्ज मुझे पता लग गया सिग्मा फ्री इतना है, इस पर माइनस सिग्मा फ्री है, ओके, इनके बीच में क्या फील्ड है, इनके बीच में फील्ड है डायलेक्ट्रिक, यहां ओके, ये क्या है K1 K2, ठीक है K1 K2 है, इस तरह आपको निकालना है D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, यहां तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाउंड्री को कैसे क्रॉस कर रहा है, इट इज क्रॉसिंग नॉर्मली ऐसे, तो यहां का D1 और यहां का D2 क्या आता है, सेम या डिफरेंट भाई, कैसे है नॉर्मल टू द बाउंड्री है पर, या ट्रांजिशन टू द बाउंड्री, नॉर्मल सेम आएगा, मतलब दोनों तरफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इट वुड बी सेम क्योंकि वो नॉर्मल है, नॉर्मल में कॉन्टिन्यूस रहता है डी वन डी टू, क्लियर, और होता कितना है डी आप जानते हैं, ये देखिए मैं निकाल कर बताता हूँ, गॉस लॉ से, गॉस लॉ से जो डी होता है वो किसके बराबर होता है जरा बताइए,
क्यू फ्री के बराबर होता है। तो अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे जब, तो d का वैल्यू कितना आएगा बता सकते हैं? d1 या d2 दोनों ही, भाई ये एरिया हो गया, किसके बराबर होता है d का वैल्यू? d का वैल्यू होता है क्यू फ्री बाय एरिया। तो d का वैल्यू जो आता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो किसके बराबर आता है? सिग्मा फ्री, मैग्नीट्यूड जो आता है उसका सिग्मा फ्री। इसका मतलब ये बात ध्यान रखिएगा आप, सिग्मा फ्री के बराबर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए डी डॉट डी एस क्यू फ्री है, और ये क्या है? अगर सब जगह डी का वैल्यू सेम है तो डी बाहर आ गया, तो ये एरिया कितना आ गया? प्लेट एरिया ही दे, ये बन गया। तो डी वन डी टू क्या होंगे प्रेजेंट क्वेश्चन में? हमने कहा था ये डायरेक्शन कौन सी है? जेड। तो डी वन डी टू का वैल्यू क्या आएगा दोनों ही केस? सिग्मा फ्री किस डायरेक्शन में? डाउन। इक्वेशन नंबर 6, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोनों मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वन कितना? डी वन क्या होता है? डी वन इज एप्साइलन वन ई वन, ये फॉर्मूला। एप्साइलन वन का वैल्यू क्या होता है? एप्साइलन नॉट के वन ई वन। ई वन कितना हुआ? डी वन बाय एप्सिलॉन नॉट के वन। ओके, तो डी वन का वैल्यू कितना है? सिग्मा फ्री, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के वन। किस डायरेक्शन में? माइनस जेड में। सिग्मा फ्री कितना है? 8000 एप्सिलॉन नॉट, ओके, कितना हो गया? के वन कितना है? 2, तो ये 4000, ओके, बाय 3 नेगेटिव जेड में। देखना जरा ठीक है क्या? और क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया ना सिग्मा एफ, ये बन रहा है। E2 कितना बनेगा सिमिलरली? सिमिलरली E2 वुड बी फोर से कैंसिल होगा, वो फोर से होगा तो 2000 बाय 3 नेगेटिव जेड आएगा। इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये हमारे फील्ड्स आ गए, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हुई। अब पोलराइजेशन की कैलकुलेशन, पोलराइजेशन ठीक है। पोलराइजेशन क्या होंगे? P1 होगा एप्सिलॉन नॉट K1 माइनस 1 E1। तो P1 क्या होगा? K1 क्या है? 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 देखो जरा कितना बन रहा है, कितना आ रहा है? 4000, हाँ ये बन रहा है 4000 एप्सिलॉन नॉट बाय 3 किस डायरेक्शन में? नेगेटिव जेड में। इतना पोलराइजेशन है मीडियम 1 का। इक्वेशन नंबर 9, मीडियम 2 का पोलराइजेशन इतना है, कितना हो गया? ये हो गया 8000 क्या? नहीं 3 नहीं 8000 नहीं है। तो ये बन रहा है K2 कितना है? K2 वैल्यू इज 4 माइनस 1 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी बस 3 नहीं आएगा डिवीजन में।
नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं मीडियम वन में पोलराइजेशन इतना है, मीडियम टू में इतना है, किसका ज्यादा है? मीडियम टू का पोलराइजेशन ज्यादा है क्योंकि परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा है, के टू ज्यादा है ना के वन से, इसीलिए क्या है पोलराइजेशन टू पोलराइजेशन वन से ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर। ओके, यहां का पोलराइजेशन मैंने पता कर लिया, यहां का और यहां का पोलराइजेशन भी पता कर लिया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कितना सिग्मा बी वन होगा, मतलब जहां बाउंड्री होगी ना, ओके, इस बाउंड्री के ऊपर, ओके, इस बाउंड्री के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, तो इसके ऊपर कौन सा डायलेक्ट्रिक है? यहां है K1, यहां है K2, ओके, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उस पर सिग्मा B1 जमा होगा और नीचे वाले पर क्या जमा होगा? सिग्मा B2। तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट सिग्मा B1 कितना होगा, वो पोलराइजेशन वन डॉट एन कैप एन वन कैप। तो भाई अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, किसका वीडियो ऑन है? ओके, तो पोलराइजेशन वन का नॉर्मल किधर होगा? पोलराइजेशन वन का नॉर्मल किधर होगा? आप गेट डाउन बताइए। पोलराइजेशन वन मतलब मीडियम वन के लिए नॉर्मल किधर होगा? गो बैक एंड आप ना मीडियम टू को हटाइए, फिर देखिए नॉर्मल किधर जाएगा उसका। तो नॉर्मल ऑफ मीडियम वन वुड बी डाउन, आउटवर्ड नॉर्मल वुड बी डाउन। मीडियम टू का आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा? उस मीडियम से दूर जाना है, वुड बी प्लस जेड। रखिए यहां पर पोलराइजेशन वन 4000 एप्सिलॉन नॉट बाय थ्री माइनस जेड डॉट नॉर्मल किधर है उसका? माइनस जेड। कितना बाउंड चार्ज जमा होगा उस पर? उस पर बाउंड चार्ज जमा होगा प्लस का 4000 एप्सिलॉन नॉट बाय थ्री, इक्वेशन नंबर 11, सिग्मा बी टू पोलराइजेशन टू डॉट एन कैप, ओके, 2000 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन टू कैप, एन टू कैप क्या है? प्लस जेड। तो इस पर जो बाउंड चार्ज जमा होगा दैट वुड बी 2000 एप्सिलॉन नॉट माइनस का, ओके, माइनस का 2000 एप्सिलॉन नॉट चार्ज वुड बी अक्यूमुलेटेड। तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, ओके, कितना आया? सिग्मा बी वन प्लस सिग्मा बी टू
कितना हो गया कुल मिलाकर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आई थिंक नेगेटिव वाला ज्यादा है। 2000 से कितना बना, 2000 कॉमन 6, आई थिंक आ रहा है 2000। ओके 3 नहीं 4 किया 12, 8000 है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, 6000 है ना, 2000 बन गया। हाँ ठीक है, ये होगा, ये चार डेंसिटी आएगी। कितना होगा आंसर, कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, नेट मैग्नीट्यूड वुड बी बी। ओके, और अगर पूछता साइन कैसा होगा, साइन नेगेटिव होगा। साइन पूछता तो साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। इस तरह आप कर सकते हैं इसको। इसका एक तरीका और हो सकता था बीच में, अगर आपको निकालना होता तो बीच में से आप अलग कर सकते थे। ये तो मैंने पूरा बताया आपको किस तरह आप क्या कर सकते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है, वहां से शुरुआत हुई है, देन कैपेसिटेंस निकाला, कैपेसिटेंस से फ्री चार्ज डेंसिटी निकाला, यहाँ फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाला, फिर डी निकाला, डी से ई निकाला, ई से पी निकाला, पी से सिग्मा बी निकाला। आप क्या कर सकते थे, कुछ स्टेप यहाँ पर जंप कर सकते थे, इसको लगाकर सिग्मा बी का वैल्यू होता माइनस, ओके माइनस ये होता है काई ई ओवर 1 प्लस काई ई सिग्मा फ्री। तो इसको लगाकर देख लेना एक बार, ठीक है। तो आप अगर इसको सिग्मा बी वन निकालने के लिए लगाते तो क्या बनता, काई ई का वैल्यू क्या होता है बताना जरा, K1 - 1 / K1, ओके सिग्मा फ्री। तो क्या आता आंसर जरा बताइए, कुछ स्टेप जंप करने हैं अगर आपको, मान लिया तो K1 का वैल्यू कितना है 2, क्या होता 1/2 सिग्मा फ्री। सिग्मा फ्री कितना है, ये है, तो कितना होता -4000 4000 / 3 इतना, ठीक है क्या बताया क्या, एक मिनट, सिग्मा बी और कितना था मेरा, ये है एक मिनट, एक डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे ना हम एक्चुअली। सिग्मा बी वन का वैल्यू कितना है 4000 / 3 जो हमने निकाला प्रॉपर तरीके से, और यहाँ ये है तो सिग्मा बी वन, लेट मी चेक, आप ना इसको ऐसे कर लो बेहतर होगा। Why I did it like this? यह मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। नीचे 2 आएगा ना, तो क्या था वैल्यू उसका, 8000 था ना, इसलिए 4000 बन गया। देखो जरा, try to understand my point। देखो, ये है मान लिया आपका कंडक्टिंग प्लेट, ये आपका कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा फ्री है, क्लियर। इससे कौन सा डायलेक्ट्रिक कांटेक्ट में है, इसके बताओ, इसके कांटेक्ट में कौन सा डायलेक्ट्रिक है, यहां
इसके कॉन्टेक्ट में है के वन डायलेक्ट्रिक, क्लियर? के वन डायलेक्ट्रिक इसके कॉन्टेक्ट में है, क्लियर है? तो ये वाला जो इंटरफेस होगा, ये वाला इंटरफेस, ये दोनों के लिए कॉमन होगा, ओके? तो ये जो मैं बता रहा था ना आपको, चाहे तो आप मैग्नीट्यूड हटा दो, ये जो वैल्यू आपको मिल रही थी, ये किसके लिए मिल रही थी आप मुझे बता सकते हो? ये जो था ना बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये था बाउंड चार्ज डेंसिटी कहां पर? बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी एट द इंटरफेस, एट द इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पर? ठीक है, एट, मैं इसको लिख देता हूं, एट द कंडक्टर डायलेक्ट्रिक इंटरफेस, मतलब जहां कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक मीट कर रहे हैं ना, कहां मीट कर रहे हैं? ये कंडक्टिंग प्लेट है ऊपर वाली और ये डायलेक्ट्रिक है, क्लियर? तो इस पर कितनी बाउंड चार्ज डेंसिटी है? इतनी है, नेगेटिव। अब मैं इसको और एलोबरेट करता हूं, नीचे वाली प्लेट कहां है? यहां, ये नीचे वाली प्लेट है, इस पर कितनी चार्ज डेंसिटी है? माइनस सिग्मा फ्री। अच्छा, इसके कॉन्टेक्ट में कौन है? इसके कॉन्टेक्ट में के टू, ओके। तो ये जो बाउंड्री है, ये कंडक्टर डायलेक्ट्रिक इंटरफेस है, ओके। तो इस पर कितना बाउंड चार्ज डेंसिटी जमा होगा? ये जो निकाला ना हमने, ये वाला, ये कहां जमा हुआ निकाला है हमने? यहां, ये जो हमने निकाला है, ये सिग्मा बी वन यहां निकाला है, सिमिलरली सिग्मा बी टू निकालना जरा, माइनस के टू माइनस वन बाय के टू इंटू सिग्मा थ्री, कितना आएगा? चार तीन माइनस थ्री बाय फोर सिग्मा थ्री, सिग्मा थ्री कौन सा वाला? यहां, यहां का चार्ज डेंसिटी क्या है? माइनस सिग्मा थ्री, माइनस सिग्मा थ्री का मतलब क्या हुआ? माइनस सिग्मा थ्री का मतलब हुआ माइनस 8000 एप्सिलॉन नॉट बाय थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, बन रहा क्या प्लस का 2000 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात ध्यान से समझिए, यहां जो है बाउंड चार्ज डेंसिटी नेगेटिव जमा हुई है बी वन के लिए, ओके। तो जब डायलेक्ट्रिक और कंडक्टर, ये देखो इसकी बाउंड्री ये है, तो यहां पर कैसे चार्जेस जमा होंगे? यहां पर कैसा बाउंड चार्ज जमा हो रखा है? नेगेटिव, ठीक है। तो इसका रेड वाला जो है वो कैसा बाउंड चार्ज जमा होगा? यहां पॉजिटिव बाउंड चार्ज जमा होगा, ओके। एंड नीचे वाले का कैसा बाउंड चार्ज जमा होगा? यहां कैसा बाउंड चार्ज जमा हुआ है इसका? पॉजिटिव। तो इसका कैसा बाउंड चार्ज जमा होगा यहां पर? नेगेटिव, ओके। तो यहां जब आप एडिंग करोगे, यहां पर एडिशन करोगे, यहां हियर, ओके, तो किसका? ऊपर वाले का पॉजिटिव और नीचे वाले का नेगेटिव लगेगा, मतलब कितना नेट बाउंड चार्ज होगा यहां पर? यहां पर जो सिग्मा बी होगा, ठीक है, वो इसका वाला क्या लगेगा? इसका वाला लगेगा पॉजिटिव, ओके। अच्छा, इसका वाला क्या लगेगा? नेगेटिव। तो आंसर आपका वही आएगा जो आ रहा था पहले, क्या
माइनस 2000 एप्सिलॉन नॉट बाय 3, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसमें आपका क्या होगा, फ्री चार्ज डेंसिटी वाले स्टेप से वहीं से आप जंप करके कहां आ जाओगे, फ्री चार्ज वाले कहां तक, यहां तक, यहां पहुंचे थे ना आप, यहां भाई आपने क्या किया, यहां से व्हाट यू डिड, सबसे पहले आपने क्या किया, वोल्टेज दी हुई थी, वोल्टेज दी हुई थी तो आपने क्या निकाला, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट और क्यू इक्वल टू सी वी कर दिया, एरिया से डिवाइड करके फ्री निकल गया। तो यहां वाली इक्वेशन नंबर 5 से आगे आप क्या कर सकते थे, ना डी वन ना ई वन ना पी वन सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहां पहुंच जाते, इस फॉर्मूले को लगाते। बट इसमें ध्यान दीजिएगा कौन से वाले की बात कर रहे हैं, जहां कंडक्टर और डायरेक्टर मीट कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं एक दूसरे से, वहां की बात कर रहा है। तो जब आप डायरेक्टर डायरेक्टर इंटरफेस पर जाओगे तो उसका जो साइन होगा वो इस वाले के साइन से, इस वाले के साइन से अपोजिट होगा। देखो क्यों किया मैंने, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहां की बात कर रहा है वो, ये जो है, ये जो है, ये कहां की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, हियर कंडक्टर डायरेक्टर की बात कर रहा है, ओके। जबकि हमें निकालने के लिए एग्जामिनर कहां बोल रहा है, डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक इंटरफेस पर, यहां, ओके। तो यहां जब अगर नेगेटिव चार्ज जमा होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज जमा होगा तो यहां नेगेटिव चार्ज जमा होगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर, ठीक। तो आपकी मर्जी, आप पूरा करके करें या स्टेप जंप कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सेम पहले भी किसी एग्जाम में आ रखा है। ये बताइए क्या फर्क है पिछले वाले में, इसमें यहाँ 10 वोल्ट लगा हुआ है, वहां 100 वोल्ट लगा हुआ है, वहां सेपरेशन क्या था, 1 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है, 10 सेंटीमीटर, इतना ही फर्क है बस, नथिंग एल्स। पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ नेट बाउंड चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक, वोल्टेज 10 टाइम्स हो गया तो डिस्टेंस भी 10 टाइम्स हो गई, तो आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 10 गुना हुआ है और ये वोल्टेज भी 10 गुना हुआ है, तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना इफेक्ट आपस में। ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा इसमें, चेक कर लेना आप दोबारा से। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर है 54। पैरेलल पे कैपेसिटर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये रेडियस, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, ओके, इज एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल वी, देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सर्किट, इफ नाउ प्लेट्स आर सेपरेट, प्लेट्स आर स्लोली पुल्ड अपार्ट सो दैट देयर सेपरेशन इंक्रीज टू, ये पता क्या है, डी से क्या बना दी, इससे डी डैश, The work done will be, okay? तो मैंने क्या बताया था आपको, how do we calculate the work done? Work done is Q
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये करना है। वर्क डन वुड बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल। ओके, तो क्या है प्लेट्स है कैपेसिटर की, इनका सेपरेशन कितना है, डी है, सर्कुलर प्लेट्स है। ओके, दीज आर सर्कुलर प्लेट्स, सेपरेशन इज डी। ओके, साथ में क्या कर दिया उसका, प्लेट सेपरेशन बढ़कर क्या हो गया, टी डैश, प्लेट सेपरेशन इज इंक्रीज टू डी डैश। ओके, तो हमें देखना है कि बैटरी कनेक्ट रही या हटा ली। ठीक, देखिए जरा, तो मैं दो केस कर रहा हूं यहां पर। इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो आपको सोचना होगा क्या सेम है बिफोर एंड आफ्टर। इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, देन टेल मी चार्ज या वोल्टेज में से क्या सेम है। इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड देन, ठीक है, वी आफ्टर इक्वल्स टू वी बिफोर, सेम रहेगा। बोलिए, चार्ज एंड वोल्टेज की टर्म्स में सोचना है आपको। अगर बैटरी कनेक्ट रख के आप उसको सेपरेट करते हैं तो वोल्टेज सेम रहेगा। इफ बैटरी डिस्कनेक्टेड तो क्या होगा, क्यू आफ्टर क्यू बिफोर, इतनी बात समझ में आई या नहीं, क्या सेम रहेगा आफ्टर एंड बिफोर चार्ज। ओके, क्यों चार्ज सेम रहेगा, आपने क्या किया, चार्ज कर दिया उसको, जितना चार्ज देना था दे दिया, अब प्लेट को सेपरेट किया, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो चार्ज ना तो कहीं जाएगा ना चार्ज कहीं आएगा, कहीं से आएगा। ओके, क्योंकि वो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो चार्ज विल नॉट फ्लो आउट, विल नॉट फ्लो इन, ना तो अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, तो चार्ज सेम रहेगा। तो ये दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एग्जामिनर ये भी कह सकता था कि बैटरी कनेक्ट रखते रखते उसको प्लेट की सेपरेशन को बढ़ाया है, तो बैटरी कनेक्ट रखते तो वोल्टेज सेम रहता, और हटाकर कर रहे हैं तो चार्ज सेम, तो फिलहाल हटाकर कर रहे हैं तो क्या सेम है हमारी प्रॉब्लम में, चार्ज सेम है बिफोर एंड आफ्टर। ओके, क्लियर। तो जब चार्ज सेम है तो इस क्वेश्चन में, इन दिस प्रॉब्लम, In this problem, Q after Q before. अब बताइए, प्लेट का एरिया थोड़ी ना बदल रहे हैं हम, तो क्या होगा, सिग्मा आफ्टर वुड बी सिग्मा बिफोर, एम आई राइट और नॉट, चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी या नहीं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ऐसे कर देता हूं, व्हाट आई डू इज मैं एक टेबल टाइप बना देता हूं, जिससे हमें ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। पहला चार्ज अगर क्यू था पहले, तो बाद में चार्ज कितना रहेगा, क्यों रहेगा नहीं, नंबर दो, चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एरिया था पहले, तो आफ्टर भी क्या रहेगा, सॉरी क्यू
एक काम करते हैं, बिफोर को लिखते हैं वन, क्यू सिग्मा वन इज क्यू बाय ए, इधर लिखते हैं क्यू टू, आफ्टर को टू लिखते हैं तो क्यू रहेगा, सिग्मा टू क्या रहेगा, क्यू टू बाय प्लेट एरिया से, तो क्या बनेगा क्यू बाय एरिया। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेक्स्ट स्टेप पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिया मैंने, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपके पास कोई है, ओके उसके ऐसे दे रखा है, इस पर प्लस सिग्मा चार्ज, इस पर माइनस सिग्मा चार्ज, तो यहां पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ प्लस से माइनस की तरफ होगा कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई वन कितना होगा, सिग्मा दिस, ओके ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन, इधर आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 कितना होगा, सिग्मा टू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू क्या है, क्यू ए बाय एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या रहा, E1 के बराबर है ना, ये बताइए बिफोर एंड आफ्टर में क्या बदला, ऐसे भी पूछ सकता है, तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करके हम सेपरेट करेंगे तो चार्ज सेम रहेगा, चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, वो क्या असर होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेशन ये क्या रहता है, अगर वोल्टेज दिया हुआ है तो क्या होता है, ये सेपरेशन अगर डी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और वोल्टेज का रिलेशन क्या बनता है, देखिए जरा E1 इसके बराबर है V1, ओहो गलत बोल दिया, VD नहीं होता, V by D होता, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, वोल्टेज बाय डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है शुरुआत में, D, ओके ठीक है, तो इंप्लाइज दैट वोल्टेज कितना बना V1, ये वोल्टेज निकाल रहा था मैं यहां पर, वोल्टेज कितना शुरुआत में, E1 by D, E1 by D, अब आपको देखना है क्या वो दे रखा है, वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है क्या, यस लिखा हुआ है, शुरुआत में कितने तक चार्ज किया उसको, वोल्टेज V तक, तो V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V ये दिया हुआ है, तो इससे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, E1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, E1 निकालोगे इससे तो कितना आएगा, VD इधर आओ राइट साइड, राइट साइड में, राइट साइड में तो बताइए E E2 का फार्मूला क्या है, V2 by D dash, ओके अब मुझे पता लग रहा है यहां से E2 E1 के बराबर है, ओके इसका मतलब क्या, किसके बराबर है ये, E1, E1 का वैल्यू कितना है, V1 by D, ओके E2 E1 का वैल्यू कितना है, ये गलत लिख दिया मैंने, है ना यहाँ पे ओहो V1 किसके बराबर होगा, E1 into D, तो E1 किसके बराबर होगा, V by D, ओके तो E1 का वैल्यू कितना है, V by D, तो V2 कितना हुआ, V D dash by D, मतलब आपने कितना वोल्टेज लगाया था शुरुआत में, वोल्टेज कितना था इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर, वोल्टेज वाज
वी, बाद में कितना हो गया वोल्टेज, चेंज या सेम, वोल्टेज बदल गया है, वोल्टेज बढ़ गया घट गया, प्लेट को सेपरेट करने पर वोल्टेज बढ़ गया, तो क्या सेम है, बिफोर एंड आफ्टर चार्ज सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, वोल्टेज बदल गया। ओके नंबर पांच, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना था पहले, ए बाय डी वन, क्योंकि उनके बीच में क्या फील्ड है, एयर, पांच, इधर क्या बनेगा, सी टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डैश, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया घट गया, सॉरी ये डी वन का मतलब पता है क्या है, डी का, डी वन का मतलब है डी ओनली, और डी टू का मतलब क्या है, डी डैश, सो कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीज, कैपेसिटेंस डिक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी, बस लास्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना स्टोर करता है, इतना, अच्छा प्लेट एरिया कितना है, एरिया सर्कुलर प्लेट बता रखती है शायद क्वेश्चन, सर्कुलर प्लेट ये, तो कितना एरिया कवर करेगी वो सर्कल प्लेट, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय डी, और इधर कितना कवर करेंगी, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय डी डैश, नॉट आर स्क्वायर बाय डी इनटू वी स्क्वायर, वैल्यू कितना है इधर, यू टू कितना हो गया, वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय डी डैश, वोल्टेज कितना है, वी डी डैश बाय डी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट डी डैश, एक बचेगा डी स्क्वायर, तो वर्क डन निकाल दो बस, वर्क डन डब्ल्यू वुड बी डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब यू आफ्टर, यू इनिशियल बिफोर, देखना जरा कितना आता है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू डी इज कॉमन, ओके क्या बचा, टू डी कॉमन, नीचे डी ले लिया मैंने, तो बन रहा है डी डैश बाय डी माइनस वन, ये आंसर है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आगे मैं टीच नहीं कर रहा हूं, बताइए सर, ओके बैक फ्लाइट करना सर, एक मिनट, अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है सर, इसे नेक्स्ट भी स्लाइड शो करना, आगे वाली नेक्स्ट, ये क्यू क्वेश्चन क्या आपके लिए, रिपीट दिस प्रॉब्लम, ठीक है, रिपीट दिस प्रॉब्लम, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, रिपीट दिस प्रॉब्लम इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, यही प्रॉब्लम को रिपीट करना है, बस क्या वर्ड चेंज है यहाँ पर, ये लिखा होता है ना, देन डिसकनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट रखेंगे, कनेक्ट रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कहाँ से शुरुआत करूंगा मैं प्रॉब्लम की, चार्ज सेम कर दूंगा क्या, नहीं चार्ज सेम नहीं आएगा, क्या सेम आएगा, वोल्टेज, तो वोल्टेज सेम करके हम उस प्रॉब्लम को आगे करेंगे, तो आप इसको करके आएंगे, अब बताइए, कौन सी स्लाइड, हेलो कौन सी स्लाइड कह रहे थे, दोबारा बताइए, क्रैक हो रही आपकी वॉइस, 1 2 3 5, हेलो सर क्वेश्चन नंबर,
क्या कह रहे हैं सर? जो क्वेश्चन नंबर 51 है, हाँ सर, तो उसमें आपने सर ऐसे ही लिया ना कि कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल फील्ड जो होता होता नहीं है, इसीलिए एक्सटर्नल टू द कंडक्टर एंड नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस, इस ऑप्शन को चूज किया ना? हाँ हाँ भाई, क्योंकि इंटरनल टू द कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टर के अंदर भी होता है फील्ड, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, इसलिए क्या होगा इंटरनल टू द कंडक्टर वैल्यू जीरो होगी। ओके सर, सर यही सर मैं भी सोच रहा हूँ। थैंक यू सर। और बताइए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑलमोस्ट ओवर। कौन सी 53 के आगे पोलराइजेशन निकाला था ग्रेटर देन जीरो? आपकी वॉइस क्रैक हो रही, क्या कह रहे हैं 53 के आगे पोलराइजेशन वाली स्लाइड? अच्छा पोलराइजेशन वाली स्लाइड। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर जो एक ही बताओ क्या कह रहे थे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आप जो इनटू और इनवर लिए थे ना, इनटू आउट ऑफ द सरफेस लिए थे और इनटू ऐसे इनवर द सरफेस दिख रहा है, तो हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं ना, जस्ट ये साइन उल्टा आ जाएगा। उल्टा नहीं कर सकते यहाँ पर भाई, नीचे वाला मीडियम टू है ओके, उससे आप बाहर जाओगे तो क्या किधर चलोगे? नीचे वाले मीडियम टू से आप ऊपर की तरफ चलोगे या नीचे की तरफ चलोगे बाहर जाने के लिए? ऊपर की तरफ। ऊपर, तो ये ऊपर आएगा प्लस z, और मीडियम वन से बाहर निकलने के लिए आप नीचे चलोगे तो किधर आएगा? इधर आएगा। ओके। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है ना? लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। सी हाँ। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर, आपने जो 43 में और सर 53 में ई और डी बताया ना सर, ये वापस बता दो सर, इसमें कुछ कंफ्यूज। 43 में जी सर, में हाँ कौन कौन क्या बात पूछ रहे हैं? देखो ये बाउंड्री है ये, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकल के जा रहे हैं, बाउंड्री को कैसे क्रॉस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर या पैरेलल? इसमें मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचोगे तो वो यू होगी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा रेडियली, तो वो बाउंड्री के पैरेलल होकर जाएगा या टेंजेंशियल, ऐसे जो मैंने दिखाया है रेड लाइन में, ये ई है, तो ये बाउंड्री के पैरेलल है दोनों तरफ ना, दोनों तरफ बाउंड्री के पैरेलल होने का मतलब क्या है? ई पैरेलल वन इक्वल टू ई पैरेलल टू, इट मींस इट वुड बी सेम और डिफरेंट, इट वुड बी सेम ऑन बोथ साइड, जबकि इस वाले पर क्या है बाउंड्री ऐसे है, ये बाउंड्री, तो ये बाउंड्री को कैसे निकल कर जा रहा है, बाउंड्री को नॉर्मली क्रॉस करके जाएगी फील्ड लाइन या टेंजेंशियली? नॉर्मली, नॉर्मली करने पर फील्ड वैल्यू सेम नहीं आएगा, इस केस में अगर आप यहाँ ई वन निकालोगे यहाँ ई टू निकालोगे तो सेम नहीं आएंगे, ठीक है यहाँ सेम आएंगे ओके। बताओ भाई और कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बताइए।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कितनी क्लास और बची है? बस क्वेश्चंस ही करने हैं, अभी पढ़ाना तो कुछ है नहीं, बाकी जितना भी टाइम क्वेश्चंस में लगेगा एक क्लास में हो जाए या दो में हो जाए। कितने क्वेश्चंस बचे हैं वैसे? सर, जो ये हाँ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये ज्यादा बड़ी है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ी थी भाई, मैग्नेटोस्टैटिक्स से दुगनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है सर। है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स को ऐसे देखो ना आप, स्ट्राइक रेट देख बोलते हैं ना जिसको, कम बॉल में ज्यादा रन कौन बनाएगा। ओके, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है ना सर कम अच्छा बॉल में सर ज्यादा रन बनाती है। ओके, आजकल जो ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से कम सर, सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चंस आते हो, बट पढ़ाना तो मुझे तो सब कुछ ही पड़ेगा ना। यस वो बता, तो क्वेश्चंस कितने बचे हैं लगभग? डिस्क्रिप्टिव सर, इसको प्रिपेयर करने का सर कोई मेथड है सर? इसको जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत इजी लगती है, और जब बाद में हम लोग करते हैं तो सर कुछ कुछ मिस कर जाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बस। ओके सर, सर इसका टेस्ट करवा देना फिर, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हाँ, एक बार पूछो चाहे। सर सॉलिड का सर आपने टेस्ट डिस्कशन नहीं किया था सर, एक बार अगर आप थोड़ा टाइम निकाल लेते। सर ओके, कौन सा जो टेस्ट हुआ था लास्ट में अभी? 8 फरवरी को हुआ था सर सॉलिड का। अच्छा ओके, ओके ठीक है सर, थैंक ठीक है। यू सर। सर ऐसे हो जाता है सर, पढ़ाते थे, टेस्ट टेस्ट हो गया, तब पढ़ लिए सर, सब कुछ आ गया था। अभी हाँ, सॉलिड ऐसा लगता है सॉलिड कुछ नहीं आता। से तो क्या हो गया, सब भूल गए? हाँ पीडी आती है, अब ऐसा लगता है कि अब कुछ पढ़ा नहीं है ना बहुत दिनों से, उसमें कुछ आता नहीं है। ऐसा लगता है। ओके, बट वो रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा पहले जितना। रिवाइज करोगे तो चीजें जल्दी से हो जाएगी। हाँ सर, ये तो है, जल्दी एक बार पढ़ा हुआ रहता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। हाँ, हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लाइफ टाइम चीजें कुछ भी याद नहीं रहती हैं। ओके, अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं 1 साल के लिए, मान लिया, ओके, मैं हाँ खुद सर, भूल जाऊंगा इस, मैं खुद भूल जाऊंगा इस, ये तो नेचुरल। अगर ऐसे नहीं भूलेंगे ना हम चीजें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, भूलना जरूरी होता है। यस सर सर। 10th जनवरी वालों को सर आप पढ़ा रहे हैं इस समय सॉलिड? नहीं, सर उन लोग अभी का तो ये होगा? भी चल रही है, अभी देखो क्या होता है। आई डोंट ओके सर, नो, लेट द टाइम डिसाइड। ओके, ठीक है फिर।